मैं मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। जैसा कि आज पांचवें चरण का चुनाव शुरू हो गया और मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में हूं और ये फतेहपुर लोकसभा सीट है और इस लोकसभा सीट में कई सारे गांव कस्बे आते हैं। मैं आज आपको ले चलूंगा उन वोटरों के पास जो आज वो मतदान कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर चुनाव चल रहा है और मैं इस समय खागा ही में मौजूद हूँ और खागा के कुछ मतदाता हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं इधर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर इन लोग वोट डाल करके आए हुए हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, इन्होंने आपने मत का आज उपयोग किया कि नहीं किया है, जानेंगे कि आज लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, आज आप लोगों ने मतदान का उपयोग किया कि नहीं किया, आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट किया। आज बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हमने मतदान किया है और आगे आने वाली ये जो सत्ता है इसमें जिन लोगों का बेचारे गरीब लोग मजदूरों लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है और अन्य लोग परेशान हैं और बहुत ही तो समाज में एक नई दिशा नई अच्छी सोच लाने के लिए एक परिवर्तन का समय है। आप भी ने वोट कर दिया? वोट कर दिया। किन मुद्दों को लेकर के वोट किया है? क्या महंगाई विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास कुछ नहीं हो रहा, महंगाई के मुद्दा लेके हमने किया है, चेहरा बदलना है। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, उनको क्या लगता है कि आज वो सुबह घर से जब निकले क्या सोच के निकले, क्या लगा कि आज वोट देना है, तो किन मुद्दों को दिमाग में रखा, क्या सोच करके आज वोटिंग आपने की? हमने ये देखा है जो स्टूडेंट हैं इनके जितने भी पेपर होते हैं सारे लीक हो जाते हैं, बच्चे जो है तकरीबन 25 लाख बच्चों ने आत्महत्या कर ली 10 साल में, 13 लाख 3000 बच्चियां जो है गायब हो गई, किडनैप हो गई, जिनका कोई गवर्नमेंट में डेटा है आज तक कोई पता नहीं चला कि कहां गई ये बच्चियां। ये कौन सी सरकार चल रही है? बेटियां गायब हो रही हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आए दिन। तो हम इन मुद्दों पे दिए हुए हैं कि ताकि रोजगार मिल सके बच्चों को, और जो 49,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं तो हम उसके खिलाफ हमने वोट किया ताकि ये स्कूल फिर से खोले जा सके और देश सही हाथों में चले। 10 सालों में आपने विकास देखा कि नहीं देखा? जैसे आप कभी कानपुर या सिटी हाईवे आप देखते होंगे जो इतनी विकास दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं, विकास तो दिखा है, काफी दिखा है। मान लो जैसे रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हाँ बाप दादाओं ने बनाया बेटों ने बेच डाला, तो ये विकास हमने काफी अच्छे से देखा। हर चीज कुछ चीजें बाकी हैं वो बिक जाएंगी आने वाली अगली जो सरकार आएगी उनसे क्या आपका और कौन क्या चाहिए और क्या चाहिए? आने वाली जो सरकार है हम उनसे ये चाहेंगे कि गुंडा माफिया जो जमीन गरीबों की जो कब्जा कर लिए हैं ग्राम समाज की बता के वो उनको वापस दिलाई जाए, बच्चों की जो स्टूडेंट्स जो आत्महत्या किए उनको मुआवजा मिले और जो स्कूल 49,000 बंद हो गए हैं वो वापस फिर खुले और जो 13,03,000 बच्चियां गायब हो गई हैं वो उनकी जांच हो। इनका आप कह रहे हैं कि गुंडा माफिया, तो योगी ने तो कह दिया कि गुंडा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और ऐसा देखने को मिलता ही नहीं मिलता है, क्या लगता है? नहीं, मिट्टी में मिलाया लेकिन अपने साथ बैठा के खिलाया है उनको, मिट्टी में नहीं मिला। लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आपने वोट कर दिया भैया? वोट नहीं किया? क्या वोट नहीं किया, क्या नाम नहीं आया या फिर वोट डाला नहीं? अभी जाके डालेंगे। अच्छा, अभी आप डालेंगे? ठीक है, अभी आए हैं डालेंगे। जैसे कि ये गांव के लोग हैं जिन्होंने बताया कि विकास भी हुआ है और विकास भी हुआ है और भी विकास चाहिए है, आने वाली सरकार से क्या है इन लोगों को उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार और भी इससे ज्यादा विकास करेगी। यहाँ भी बैठे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, उन्होंने आज वोट किया कि नहीं किया? आपने अपना वोट दिया? इन्होंने वोट कर दिया है आज? अच्छा, आपने वोट दिया भैया? हमने अभी नहीं दिया। इन्होंने वोट नहीं किया, अभी सोच रहे हैं कि वोट डालने जाना है ना? डालेंगे ना, डालेंगे। ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है, ये मौका चले गया तो फिर नहीं आप दोबारा दे पाएंगे। हाँ, आपने वोट कर दिया? अभी नहीं दिया हमने वोट। तो वोट करने जाएंगे? हमको आप भी मनाएंगे ना? मनाएंगे। कुछ लोग थे अभी इन्होंने वोट नहीं डाला, गर्मी बहुत पड़ रही है जिस वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। ये खागा का क्षेत्र है, अब मैं यहाँ से बारा तादाद यहाँ से 10 किलोमीटर लगभग है, मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ के मतदाताओं से बात करूंगा और दिखाऊंगा कि क्या गाँव का माहौल चल रहा है। फतेहपुर बहुत बड़ा जिला है, इस जिले में 6 विधानसभाएं आती है और इन सारी विधानसभाओं में जहाँ तक के मैं हो सकूँ कोशिश करूंगा आपको मतदाताओं की विचारधाराओं को दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चल रहा है और इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में हूँ। आज आपने वोट कर दिया? जी हाँ, हमने वोट कर दिया। ये वोट कर दिया, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? हमने देश के मुद्दों को लेकर वोट किया है, देश की सुरक्षा
और देश की खुशहाली और देश की जो उन्नति हो रही है इसके बारे में हमने चर्चा करके वोट दिया है और गया है। आप लोग क्या रिलेशनशिप है? हम लोग पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है और ये महिला भी है। इनसे हम बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? हमने देश के विकास के लिए वोट किया है, जो निरंतर हो रहा है उसी को देखते हुए हम लोग इस सरकार से संतुष्ट है। राज्य में लोग होंगे उनसे हम बात करेंगे, उन्होंने वोट किया है कि नहीं किया, कुछ महिलाएं खड़ी है, आपने वोट कर दिया है? जी भैया। किन मुद्दों को लेकर के वोट किया? उन्नति भारत की, भारत सबसे आगे जा रहा है। और भी है, आपने वोट किया? हाँ भैया, वोट तो दे दिया है। क्या मुद्दा रहा, क्या सोच के घर से निकली वोट करेंगे? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ भैया, विकास खूब अच्छा हो रहा है। यहाँ हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, हमारे जनता का जो जब जिससे आप रोड से चले आ रहे हैं खागर नवस्तर, उसको साध्वी दीदी ने बनाया है 17 किलोमीटर। कब ये रोड जो है इतना अच्छा बना? कितने साल कब बना? 10 साल के अंदर बना कि 17 साल? अभी 3 साल के अंदर पुराने बना, ये 3-4 साल हुए इसके बने हुए। अभी गंगा और राम गंगा नहर पुल बन गया, साध्वी दीदी ने बनवाया है पुल। 84-85 करोड़ का उन्होंने पुल बना दिया, उस हम उस पार से इस पार आ जा सकते हैं पुल के माध्यम से, वाहन के माध्यम से हमारा व्यापार बढ़ गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि साध्वी दीदी ने हम लोगों को दी है। और भी कुछ पुराने लोग दिख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा? मोतीलाल। आज आपने वोट दिया? हाँ। किस मुद्दे को क्या सोच करके आज वोट दिया? अब जो है कैसी सगा चाहिए? देख ले, वोट दिया इधर दिखाई, देखिए वोट दे दिया है। हाँ। क्या मुद्दे, क्या सोच करके वोट दिया? मतलब क्या मुद्दा दिया? हमका जन तो अब तक खत्म हो जाए, हमका पेंशन मिला थी वह मिला थी, खेतन की 2000 वह मिला थी, नहीं घर में खर्चा कहाँ, वोट हो गया है। क्या मुद्दे रहे, क्या सोचते वोट किया? भाई अभी हमको सुविधा मिल रही है, हमने पूरी माध्यम से हमने वोट दिया उनको, हिम्मत इरफान है। क्या आपने वोट कर दिया? हाँ, हमने वोट कर दिया है, ठीक है। और सरकार से यही निवेदन है कि ये जो बेरोजगारी है इसको दूर करे, और जो शिक्षा पे इतना बहुत कम जो है विकास हो रहा, शिक्षा के लिए ज़्यादा केयर करें, ताकि शिक्षा जितना ही ज्यादा होगा उतना ही विकास होगा, ठीक है। इसलिए जो है, और हर व्यक्ति से मेरा अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपना मतदान जरूर करे, ठीक है। ये गांव के कुछ लोग, बहरा सादात के लोग हैं, उनसे हमने बात करी, इन्होंने बताया कि गांव में जो है विकास हुआ है। और सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा विकास कौन सा किया? सभाएं बहुत बड़ी विधानसभा है, जैसा कि मैंने आज आपको दिखाया, जैसा कि आप मैंने आपको दिखाया, खागा का भी दिखाया, खागा की जनता से मैंने राय ली, बहरा तादाद की भी ली, और हदगाम की जनता से भी मैंने बात करी। सबके अपने अपने विचार थे, और हमारे आने वाले 6वें और 7वें चरण को भी देखना होगा, और ये भी देखना है कि आने वाली 4 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। तब तक क्या आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे। धन्यवाद।